ऑल इंडिया फेडरेशन ने हमें हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट दिया है। पहले दो नेशनल्स होते थे, नेशनल बी और नेशनल ए, इस बार दोनों को मिला के सीनियर नेशनल ओपन 2018, इसमें 20 लाख के कैश प्राइजेज हैं। पहला प्राइज 5 लाख, इतना बड़ा नेशनल आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो हम करवाने जा रहे हैं। और इसमें अर्जुना वाडी प्लेयर्स ने भी अपनी एंट्री कंफर्म की है, 40 के करीब ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर्स जहां पे आ रहे हैं। हमारे पास 27 स्टेटों की पार्टिसिपेशन हो रही है, अंडमान निकोबार तक से प्लेयर यहां पे आ रहे हैं। और हमारी स्टेट को एक्स्ट्रा 4 एंट्रीज दी गई हैं, बाकी स्टेटों से 4-4 प्लेयर, हमारी स्टेट से 8 प्लेयर्स। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह का, इस स्टेचर का इवेंट यूथ में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भर देगा और हमारी स्टेट में स्पोर्ट्स का सिनारियो इससे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी और वो बुराइयों से हटेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ड्रग्स को लेकर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से यूथ ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है? जी, ये इवेंट इसी शनिवार को 8 तारीख से गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में शुरू होगा। और मेरी अपने मीडिया के भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हमारे यूथ स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो और इससे बच्चे ड्रग्स से, नशे से, हर तरह की सोसाइटी में जो बुराइयाँ हैं उससे हटेंगे और हमारी स्टेट एक पीसफुल स्टेट बनने में बहुत बड़ा ये कदम होगा हमारा ये मानना है।